नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट न्यूज फ्रेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज तारीख है 11 जून और दिन रविवार। तो चलिए आज के कुछ ताजा खबरों का रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने गहलोत के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएंगे, और मैं उन नौजवानों की मदद करूं जिनके साथ धोखा हुआ है तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। वहीं वसुंधरा सरकार के घोटाले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेशाध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया, कभी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन यदि उन्होंने खान आवंटन की मामला उठा और कैंसिल कर दिया, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। सीकर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां सीएम जब खंडेला क्षेत्र में महंगाई राहत केंद्र का अवलोकन करने के लिए पहुंचे तो एक पीड़िता सीएम से मिलने के लिए जोर जोर से चिल्लाती रही। प्रोग्राम में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे सीएम से मिलवाने के बजाय उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश की। कोटा में रविवार सुबह जीप पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। घायलों का कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रानपुर थाना इलाके में बारा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर अनंतपुरा बांध धर्मपुरा 4 लेन के बीच हुई। भरतपुर शहर में एक युवक की 2 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन देर रात नई नवेली दुल्हन परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके घर से फरार हो गई। परिजनों के घर पे जब सुबह 10 बजे तक कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी ने जाकर देखा और पाया कि परिवार के सभी सदस्य बेहोशी की हालत में घर के अंदर पड़े हैं और नई नवेली दुल्हन घर से फरार है। फिलहाल फ्रेश न्यूज में बस इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के लिए आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए पंजाब केसरी पॉडकास्ट। नमस्कार।